Hello, what's up guys, my name is Pinod Padur Thapa and today in this video we will see comparison operator in Mongoose in Hindi. So chaliye guys, shuru karte hain. सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन मोंगो डीबी ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर, जहां बेसिकली हम मंगूस के ऊपर वर्क कर रहे हैं. एंड गाइस आज मेरा 15th वीडियो होने जा रहा है इस प्लेलिस्ट का. अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किए, आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट गाइस, तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्यों? क्योंकि अभी तक हमने मंगूस के बारे में बहुत कुछ समझ लिया एंड हमने देखा कि मंगूस की मदद से बहुत इजिली हम अपने नोड एक्सप्रेस एप्लीकेशन को डेटाबेस दैट इज योर मंगो डीबी के साथ अब हम कनेक्ट कर सकते, ठीक है. एंड हम लोग कर्ड ऑपरेशन देख रहे थे जहां पे हम अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन पे ही सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन गाइस बोथ इन मोंगो डीबी एंड मंगूस में हमने अब तक एक बार भी एडवांस क्वेरीज नहीं किए. लाइक सपोज आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि हम रीड कैसे कर सकते, जहां हमने फाइंड सेलेक्ट एंड देन लिमिट मेथड को बहुत अच्छे से समझा, इस पे वर्क कैसे करना है वो हमने देखा, राइट. लेकिन गाइस अब हम इसको एक स्टेप और फर्दर ले जाएंगे. अब हम एडवांस क्वेरी देखेंगे. लाइक एडवांस इन द सेंस गाइस, आप में से बहुतों ने बहुत बार देखा होगा कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, सो वी हैव अ कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, राइट. ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे साथ. बट इन मोंगो डीबी हमारे पास कैसे कैसे ऑपरेटर्स है गाइस, वो आज हम देखेंगे. एंड उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आज हम देखने वाले कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन मोंगो डीबी, ठीक है. सो गाइस इसकी मदद से अब हम कैसे वर्क कर सकते हो मैं आपको बताता हूं. देखिए सबसे पहले तो गाइस कंपैरिजन क्वेरी ऑपरेटर कितने हैं अवेलेबल मोंगो डीबी में, अगर वो आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो गाइस, वी हैव इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, देन लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड देन नॉट इन. इनमें से गाइस आपको थोड़ा सा डाउट आया होगा, इसमें ये जो डॉलर इन लिखा हुआ है आपको इतना याद रखना है, ये जो डॉलर पार्ट है बेसिकली इट रिप्रेजेंट एंड ऑपरेटर. ये प्री डिफाइंड है, यू नो मोंगो डीबी के अंदर जो ये बोलता है कि आफ्टर द डॉलर आप जो प्री डिफाइंड ऑपरेटर है आप उसको यूज कर सकते हो. इट मीन्स नाउ आई एम यूजिंग डॉलर इन कंपैरिजन ऑपरेटर. एंड इसमें इन का मतलब ये हुआ कि मैचेस एनी ऑफ द वैल्यूज स्पेसिफाइड इन एन एरे. ये मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ, ठीक है. सो गाइस आई होप आपको पता चल गया होगा इन कंपैरिजन ऑपरेटर इन मोंगो डीबी हमारे पास कुछ इतने ऑपरेटर्स है जो अवेलेबल है. तो इसके साथ अब हम वर्क कैसे कर सकते हैं. देखिए ये मेरा एप्लीकेशन है जिसपे मैं वर्क करते आ रहा हूँ एंड प्रीवियस मैंने यहाँ पे इसको एंड किया था. एंड इनकेस अगर आप सोच रहे हो मैंने ये क्या लिख दिया, तो गाइस आपको उसके लिए ये मेरा प्रीवियस वीडियो बेसिकली जो 5th वीडियो है मंगूस का वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है. ऑलराइट गाइस, तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी मोंगो डीबी का एक कॉम्पास मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ है, जहां पे मेरा ये जो डेटाबेस है दैट इज टीटी चैनल, उसके अंदर एक कलेक्शन है जिसका नाम है प्लेलिस्ट. एंड उस प्लेलिस्ट कलेक्शन के अंदर आई हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है. अब मुझे इसी के साथ ही फिल्टर करना है, आई मीन मुझे इनको ही फिल्टर करना है, वो भी यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है. सो देखिए कंपैरिजन में लेट्स से गाइस आप देख सकते हो मेरा ये जो एक फील्ड है, हर एक डॉक्यूमेंट में एक फील्ड है दैट इज वीडियोस, जिसकी वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे. लाइक इन रिएक्ट जेएस आई हैव मोर देन 80 वीडियोस, उसी तरीके से नोड जेएस में मोर देन 50 है, जावास्क्रिप्ट में 150 से अबव. तो बेसिकली इसमें ये जो वैल्यू है ये कम या ज्यादा हो रहा है. लेट्स से गाइस कल के दिन आपको एक ऐसा क्वेरी करना है जहां पे आप चाहोगे कि मुझे एक ऐसे प्लेलिस्ट को सर्च करना है वेयर वीडियोस आर ग्रेटर देन 50. सिंपल ये एक क्वेरी है मेरा, सिंपल सा मतलब जहां पे वीडियोस की जो क्वांटिटी हो 50 से ज्यादा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 50 से ज्यादा. इट मींस 50 होगा तो आउटपुट में शो नहीं करेगा, 51 हुआ तो वो आउटपुट में शो करेगा, ठीक है. सो कैसे देखो गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल है. एंड अगर आपको एकदम डीप में डिटेल में ही जाना तो गाइस आप डायरेक्टली यहाँ पे भी देख सकते हो ग्रेटर देन, ऑब्वियसली हमें ग्रेटर देन पे जाना पड़ेगा. तो इस तरीके से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप उसका सिंटैक्स, सॉरी दिस इज नॉट दिस सिंटैक्स, हेयर इज दिस सिंटैक्स, यहाँ पे आप उसका सिंटैक्स देख सकते हो फील्ड एंड देन आपको ये किस तरीके से हो रहा है मैं आपको बताऊँ, ठीक है. ये आपका सिंटैक्स है, सब कुछ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, इसलिए गाइस मैंने कोई एक्स्ट्रा पीपीटी क्रिएट करने की नीड नहीं समझी, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड बहुत सिंपल है ये ऑलरेडी, है कि नहीं. सो देखिए ये जो फाइंड मेथड है इसको एज इट इज रखना है, ठीक है. मैं क्या करता हूँ, ये जो डॉट वाला पार्ट है इसको मैं इस तरीके से नीचे ले आता हूँ. आप ऐसे कर सकते हो, एक के नीचे एक आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है. सो क्या करना गाइस, ये देखो हमें जो फाइंड मेथड करते थे जहां पे हम ये देख रहे कि मेरा ये जो कोर्स का टाइप है अगर फ्रंट एंड है तो वो दिखा रहा था. लेकिन अब मुझे चाहिए कि मेरे ये जितने भी वीडियोस है, ऑलरेडी मुझे कॉम्पास पे जाने पड़ेंगे, मेरे वीडियोस ग्रेटर देन 50 होने चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं अगर इक्वल टू 50 होता तो कैसा दिखता मैं वो बता रहा हूँ आपको. देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे सब कुछ हटा देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस ऑन करता हूँ, आई मीन ऐड करता हूँ. मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा इस तरीके से, वीडियोस एक कॉलन में देता एंड मैं सिंपली 50 लिख देता, ठीक है. कंट्रोल एस सेव करता हूँ. कल के दिन अगर मैं देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपने फोल्डर के अंदर आना है एंड सिंपली उस फाइल को रन करना है. तो बहुत क्लियरली देख सकते हो मुझे मिल रहा है नेम नोड जेएस. अगर इस लिमिट प्रॉपर्टी को मैं कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है,
CLS कर देता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे सिर्फ Node.js मिल रहा है, क्योंकि ऐसे वीडियोस जिसकी वैल्यू 50 है मुझे सिर्फ उसी का ही रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली वो सिर्फ और सिर्फ Node.js था, ठीक है। अब मुझे ग्रेटर देन 50 चाहिए। अब मुझे आप ये बताओ कि इसमें मैं ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर जो वो कहाँ ऐड करूँगा, ये जो ग्रेटर देन वाला जो ऑपरेटर है इसको अब मैं ऐड कैसे करूँ, मतलब आप समझो कैसे कर सकते हो आप इसको। एंड हर एक चीज़ जो भी है आपके कैलिब्रेशन के अंदर आ रहा है, ये जो फाइंड मेथड है उसके अंदर मुझे अगर कोई यू नो क्वेरी लिखना था रीड के लिए तो मैंने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस ऑन की, आई मीन ऐड की, एंड सिंपली वीडियोस कॉलन 50 लिख दिया, मेरा काम हो गया। अब उसी तरीके से मुझे 50 के बदले ग्रेटर देन 50 चाहिए, लेकिन वीडियोस को मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ग्रेटर देन 50 मुझे चाहिए। सो इस 50 को मैं हटाता हूँ, इंस्टेड ऑफ 50 अगेन एक कर्ली ब्रेसेस में ऐड कर रहा हूँ, उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब मैं वो ऑपरेटर ऐड कर रहा हूँ, दैट इज सिंपली ग्रेटर देन वाला, ठीक है, कॉलन ऐड की एंड देन मैं सिंपली 50 लिख दूंगा, दिस इज इट। जहां आपको लग रहा है कि ठीक है अब मैं इसके साथ और ज्यादा क्वेरी नहीं कर पा रहा हूँ, सिंपली गाइस एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है एज एन ऑब्जेक्ट एंड देन की वैल्यू पेयर, दिस इज इट, ग्रेटर देन एंड देन 50। वीडियोस तो सेम है क्योंकि वीडियोस के अंदर ही हमें चेक करना था। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देखोगे मुझे रिएक्ट जेस एंड देन जावास्क्रिप्ट मिल रहे, बिकॉज बोथ इन रिएक्ट जेस एंड ये जो मेरा जावास्क्रिप्ट है इनके अगर आप वीडियोस की क्वांटिटी देखोगे दे आर ग्रेटर देन 50 डिग्री, आई मीन नॉट 50 डिग्री नोड, यू नो टेम्परेचर एप्लीकेशन बनाने के बाद 50 डिग्री निकल रहा मुझे, खाली बेसिकली 50 से ज़्यादा वीडियोस है, जावास्क्रिप्ट में 150 है, रिएक्ट में 80 है, बेसिकली 80 है, ठीक है। अब अगर मुझे सपोज ये चाहिए कि नहीं, अगर 50 है तो वो भी मुझे एज आउटपुट में दिखना चाहिए, इट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। सो वो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक ई ऐड कर देना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, CLS वापस इसको रन करता हूँ एंड दिस इज इट, अब मुझे Node.js भी मिल रहा है। सो इस तरीके से गाइस हम कंपेरिजन ऑपरेटर कर सकते थे, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ ना, अब सेम वही, अगर लेस देन होता तो इस तरीके से लेस देन और इक्वल टू करता मैं, सिंपली एल आई मीन जी के बदले मैं लेस देन लिख देता, टर्मिनल ओपन करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ एंड डोंट वरी गाइस, अगर हम नोड मैन यूज़ करते तो ऑटोमेटिक हो जाता, लेकिन मैं बार बार रन नहीं करना चाहता उसको, तो सिंपली इस तरीके से लिख रहा हूँ ना Node.js MongoDB Mongoose एंड देन एक्सप्रेस। सो गाइस आपको कैसा लगा ये, है कि नहीं ऑसम। एंड नाउ गाइस एक ऑपरेटर रह गया है एंड दैट इज योर इन ऑपरेटर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर आप देखोगे मैचेस एनी ऑफ द वैल्यूज स्पेसिफाइड इन एन एरे, इन एन एरे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ यू नो बहुत सारे लोग इधर फ्रंट एंड को सेलेक्ट करते हैं या एज अ बैक एंड सेलेक्ट होते हैं। सो अगर हम बैक एंड की बात करते हैं ना, तो बैक एंड में सिर्फ बैक एंड नहीं, बैक एंड प्लस डेटाबेस का वो कॉम्बो रहता है, ठीक है। सो अगर आपको ये सर्च करना है कि मेरे थापा टेक्निकल वाले ऑथर जो भी है उसके अंदर ऐसे कितने प्ले लिस्ट है जो एज अ बैक एंड एंड डेटाबेस के अंदर आते हो, वो मुझे चाहिए एज अ क्वेरी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे ऐसे प्ले लिस्ट पता लगाना है जो डेटाबेस हो या इधर बैक एंड हो, फ्रंट एंड वाले मुझे नीचे, खाली बैक एंड एंड डेटाबेस वाले मुझे चाहिए कोर्सेस, वो मैं कैसे लगा सकता हूँ अब मुझे बताओ। आई मीन अब उसमें मैं ग्रेटर देन एंड लेस देन तो यूज ही नहीं कर सकता, समझ रहे हो, ग्रेटर देन लेस देन है ही नहीं उसमें, क्योंकि नंबर नहीं हो, इंटीजर नहीं है, तो उसमें हम इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जहाँ पे अब ये जो वीडियोस है, मुझे फिलहाल अभी वीडियोस की नीड नहीं है, मुझे अभी जाना पड़ेगा मेरे कोर्स टाइप पे, डैट इज योर सी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से सी टाइप, ऑलराइट गाइस। देखिए अब वापस इसको मैं हटाता हूँ, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ बैकएंड वाली वीडियोस चाहिए रहती तो मैं क्या करता, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे कैलिब्रेसिस रह गया है तो इस तरीके से कैलिब्रेसिस दे देता हूँ, दिस इज इट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से एंड रन करता हूँ, तो आप देखोगे मुझे नोड एंड देन एक्सप्रेस मिल रहा है, बिकॉज इन दोनों का अगर आप देखोगे गाइस जो सी टाइप है वो है आपका सिंपली कहाँ गया, ये देखिए बैकएंड एंड यहाँ पे आपको मिलेगा बैकएंड, तो इस तरीके से मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझे बैकएंड एंड डेटाबेस दोनों चाहिए, तो वो अब मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो गाइस ये जो पार्ट है इसको अभी फिलहाल रहने दीजिए, अब हम यूज़ करेंगे अगेन इन ऑपरेटर, ठीक है। इन मतलब यहाँ पे देखिए मैचेस एनी ऑफ द वैल्यूज स्पेसिफाइड इन एन एरे, मतलब अगर हम एरे में वो बैकएंड एंड डेटाबेस दे देते, अगर उससे मैच हो गया तो हमें आउटपुट आ जाएगा, सिंपल। इनका मतलब ये है एरे के अंदर एज अ वैल्यू अगर आप कुछ भी पास कर रहे हो यू नो, तो वो अगर मैच होता तो हमें आउटपुट में मिल जाता, सिंपल। क्या वो उस एरे के अंदर है, इन मतलब क्या उसके अंदर है एज अ वैल्यू, वो है वहाँ पे, सिंपल, ठीक है इस तरीके से।
मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉलर, क्योंकि वो एक ऑपरेटर है तो डॉलर इन तो मुझे लिखना ही है, कॉलन आपको देना ही पड़ेगा एंड सिंपली आपको एक एरे मेंशन कर देना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अब एज अ वैल्यू आपको पास करना है एंड दैट इज योर बैक एंड। अगर मैं सिंपली इस तरीके से भी लिखता हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले गाइस मैंने सिर्फ बैक एंड लिखा था एंड अभी मैंने डॉलर इन ऑपरेटर के अंदर इस तरीके से लिखा है, तो भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो गाइस इन दोनों का जो आउटपुट है वो एकदम सेम आने वाला है। ये देखो गाइस, सेम आउटपुट, नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस। तो ये दो तरीके थे करने के, आप इधर इन से भी कर सकते थे, नहीं तो डायरेक्टली अगर आप बैक एंड लिख देते तो भी हो जाता, लेकिन नाउ अब इसका एडवांटेज ये है कि अब आप यहाँ पे कितना भी कॉमा दे सकते हो एंड इसके अंदर आप जो भी कोर्स टाइप का यू नो नाम लिखोगे तो अगर वो मैच कर गया तो हमें एज ए आउटपुट मिलने वाला है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं, सो वी हैव आवर डेटाबेस, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव आवर डेटाबेस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से डेटा बेस, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ एंड इसको भी गाइस मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं सिंपली क्लीन कर देता हूँ एंड सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, देखिए नोड जेएस, मोंगो डीबी, मोंगूस जेएस एंड देन एक्सप्रेस। बेसिकली ये ऐसे कोर्स है थापा टेक्निकल एज ए ऑथर जो बोथ बैकएंड एंड डेटाबेस के अंदर आते हो। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। एंड एक और चीज़ एंड दैट इज कि ठीक है, अब मुझे ऐसे कोर्स चीज जो बैकएंड एंड डेटाबेस के अंदर नहीं आते हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नहीं आते हो तो सिंपल है, नॉट इन मतलब जो इसके अंदर एज ए वैल्यू नहीं है, तो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब क्या होगा, मेरे इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी मेरे इस कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनका सी टाइप अगर बैकएंड एंड डेटाबेस है तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी वहाँ पे रहे, जितने भी रिमेनिंग है वो मुझे एज ए आउटपुट यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अब मुझे सिर्फ फ्रंट एंड दिखने वाले, तो मैं क्या करता हूँ, क्लोज CLS अगर यहाँ चलता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देखो React JS एंड JavaScript, बिकॉज यही दो एज अ फ्रंट एंड बाकी थे। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड बताना चाहूँगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। एंड हाँ गाइस, बताना चाहूँगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके WhatsApp, Facebook, Twitter, वहाँ एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका WhatsApp ग्रुप है, वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोज़ को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो गाइस बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।